वक्त सेकंड सेमीफाइनल 68वीं राज्य स्तरीय गर्ल्स कबड्डी टूर्नामेंट 2004 रावला मंडी अनूपगढ़ से टॉस आईना ने जीता, बीकानेर ने चॉइस कोर्ट शुरू होता हुआ इसी के साथ फाइनल के लिए ये दूसरा सेमीफाइनल। पहले सेमीफाइनल में बालोत्रा ने बेहद रोमांचक मुकाबले में कबड्डी अकेडमी राजगढ़ चूरू को पराजित करते हुए फाइनल में जगह बनाई है, लेकिन देखते हैं इस सेकंड सेमीफाइनल से कौन सी टीम बाजी मारती है जयपुर ग्रामीण बनाम बीकानेर के मध्य। और यहां टीम की कप्तान उंदा रेडर अंजलि पहला रेड लेकर बोनस से शुरुआत करता हुआ इस समय जयपुर ग्रामीण। इधर से कैप्टन ही आगे चले हैं आईना, देखते हैं आईना कैसे प्रदर्शन को साबित करती है। अब तक का बहुत जबरदस्त फॉर्म में है और उनका बने रहना की किया है चेहरे पे, टच पॉइंट मिलेगा बीकानेर को यहां पहला पॉइंट टच से, एक एक से स्कोर बराबर। कप्तान फिर से अंजलि, अविश्वसनीय खिलाड़ी, हौसले बुलंद और इनकी प्रतिभा की दाद देनी होगी। नौ के डिफेंस में इस वक्त टच पॉइंट की मांग। इधर से भी देखिए 11 नंबर को बाहर भेजते हुए दूसरा पॉइंट इस समय जयपुर ग्रामीण की झोली में। सात का सॉलिड डिफेंस इसमें, एंगल होल्ड का शिकार यहां प्रिया, देखे हैं पूरी ताकत झोंकते हुए। प्रिया की जितनी तारीफ करें उतनी कम, डबल भूमिका में ऑलराउंडर खिलाड़ी। बहरहाल तीसरा पॉइंट इस समय 3-1 से आगे जयपुर ग्रामीण। बीकानेर के ऊपर शुरुआती समय में दबाव बनाने में कामयाब अंजलि हो या फिर प्रिया, इनका खेल काफी बड़ा है, जबकि बीकानेर की ओर से आईना के ऊपर ही दारोमदार जो कॉर्नर पे भी हैं इस वक्त एक नंबर पहचान संख्या में। रावला मंडी अनूपगढ़ की पावन पवित्र धरा से आप देख पा रहे हैं ये दूसरा बेहतरीन सेमीफाइनल मुकाबला 19 वर्षीय छात्रा वर्ग में 68वीं राज्य स्तरीय गर्ल्स कबड्डी 2024। आज शायद फाइनल हो सकता है या फिर देखते हैं। लॉबी में गई है, गति इतनी अच्छी खासी थी और विश्वास था कि वो 10 पॉइंट तक पहुंच जाएंगे और इसीलिए लॉबी के माध्यम से लक्ष्य तक पहुंचते हुए दूसरा पॉइंट 3-2 का स्कोर। लेकिन अंजलि लगातार अच्छा कार्य करते हुए गुलाबी नगरी ग्रामीण के लिए देखिए चौथा पॉइंट 4-2 का स्कोर। और अब इस 3 नंबर पहचान संख्या से बीकानेर को काफी अपेक्षाएं, क्या यहां टच पॉइंट मिलेगा? जी हां, एक और कॉर्नर से कमजोर जयपुर ग्रामीण, यहां इस कॉर्नर पे सावधान रहने की आवश्यकता। लेकिन अंजलि देखिए जितनी तारीफ करें उतनी कम है, कप्तान है और स्वयं पे ही भरोसा, दूसरे पे अभी भरोसा नहीं जताना चाहती, खेल को स्वयं ही आगे बढ़ाना चाहेंगी। हालांकि प्रिया जैसी स्टार रेडर अभी उनका आना बाकी रेड पे, बोनस की कोशिश के बाद बुलंदियों के साथ जंप किया और वापस बोनस से स्कोर में वृद्धि करता, 5 पे पहुंचता हुआ जयपुर ग्रामीण, जबकि 3 पे है बीकानेर। एंगल होल्ड की कोशिश और यहां पहुंच गई है बड़ी रेड 2 पॉइंट के साथ 5-5 से स्कोर लेवल। बेहद रोमांचक होता ये मुकाबला, कहना मुश्किल होगा अबे कि जीत किसकी होगी, संभावनाओं का खेल किस तरफ जाएगा मुकाबला। दो मजबूत टीमें देखी इस मामले सामने, 10 पॉइंट यहां 5 नंबर को बाहर भेजता जयपुर की कप्तान, छठा अंक इस समय मामूली बढ़त सही है एक अंक की। तीन नंबर में कॉर्नर, ये लकी ये कमजोरी लगातार सिंगल पॉइंट, वापस मैच में 6-6 से। देखिए कितना आक्रामक अंदाज है बीकानेर की बालिकाओं का भी, जबरदस्त स्टार दोनों ही टीम में, बेहद कांटे का मुकाबला जो कि इससे पहले खेला गया था उसी अंदाज से ये खेल आगे बढ़ता हुआ। लेकिन इस बालिका को रोकना बीकानेर के लिए चुनौती, बोनस के साथ 2 पॉइंट का इजाफा, 2 पॉइंट की बढ़त बनाता हुआ 5 का डिफेंस, क्या यहां कमजोर होगा कॉर्नर पे? प्रिया आ गई हैं वे, जो कि इससे पहले एक एंगल होल्ड दिखा चुके हैं,
ब्लॉक करते हुए सफलता अर्जित की थी। सेफ ही वापस जा रही हैं अंजलि पुनः। नौ नंबर पहचान संख्या में देखिए जयपुर की सबसे स्टार राइडर साबित होती हुई अब तक के मुकाबले में प्रिया अभी तक कोई रेड नहीं लगाई है और आवश्यकता भी नहीं। जब तक अंजलि लगातार अच्छा कार्य करें चाहे बोनस हो या फिर टच पॉइंट स्कोर में लगातार वृद्धि करती जयपुर की ये स्टार राइडर बेहतरीन कप्तान प्रतिभावान बोनस से देखिए दोहरे अंकों के करीब नौ पे पहुंचा जयपुर ग्रामीण टीम के कोच खुश होंगे अब तक के प्रदर्शन से और मैच से पूर्व चर्चाएं चल रही थी उनके साथ। यदि स्टार्ट अच्छा मिलता है जयपुर ग्रामीण को फिर शायद वो दबाव बनाने में कामयाब होगा। लेकिन यहाँ एंगल होल्ड प्रिया का कमाल देखिए इस समय। वाह प्रिया गजब कर डाला। जयपुर ग्रामीण गो स्विन डबल फिगर 10 में पहुंचा है और उसके बाद देखिए प्रिया ब्रेड पे चली है सही वक्त पे आगे चले हैं क्योंकि हौसला बुलंद है इस आत्मविश्वास में नजर आते हुए दो शानदार एक बेहतरीन ब्लॉक किया और दूसरा एंगल होल्ड प्रिया ने डी लाइन को छूकर वापस से लौटी है। शानदार भूमिका में तमाम ऑफिशियल्स निर्णायक चाहे वो असिस्टेंट अंपायर हो मुख्य अंपायर हो टाइमर हो और यहां बोनस से बीकानेर को भी फायदा मिला है। हर साइड से खिलाड़ी अपना बेट देने की कोशिश क्योंकि ये अहम मुकाबला जीतने वाली टीम फाइनल में जाएगी हारने वाली टीम फिर हार्ड लाइन का मैच खेलने के लिए मजबूर होगी। संघर्ष यहां लगातार पांच के डिफेंस में बोनस ऑफ इसलिए थोड़ी सी कठिन चुनौती। क्या डूडाई सेकंड रेड है इसके बाद अगला जो रेड होगा यहाँ से यदि बगर की शेंक लौटती है फिर डूडाई देखने को मिलेगा। लेकिन जयपुर जब रेड पे जाएगा और यहाँ ब्लॉक तोड़ते हुए लक्ष्य तक पहुंचे बीकानेर की बालिकाएं भी कम नहीं। नियंत्रण सही नहीं था डूडाई पे है इस समय करो या मरो डू और डाई एक तरफ कुआ एक तरफ खाई। अंजलि रेड पे आई और देखते हैं यहाँ कितने पॉइंट से या फिर बोनस लेकर वापस आई। रेडर आउट बोनस क्लियर नहीं था और यहाँ पॉइंट जाता वा बीकानेर की। स्कोर शीट में यानी कि जबरदस्त कमबैक इस समय कहा जा सकता है बीकानेर का। और ये देखे प्रिया एक बार फिर से शानदार टेकल प्रिया ने समय रहते संभाल लिया फिर से हालांकि एक बार स्लिप हुआ लेकिन अच्छा साथ मिला इस समय सहेलियों का। अजब गजब खेल इस समय बीकानेर बनाम जयपुर ग्रामीण जितनी तारीफ करें उतनी कम। और प्रिया हो या फिर अंजलि बहादुर बालिकाएं सेफ ही वापस लौटना चाहेंगे क्योंकि पिछले रेड से पॉइंट गवाया था इसलिए डूडाई का कोई खतरा नहीं। एक बार उधर एक बार इधर 12-10 का स्कोर है संभवतया। अब तक टाइम आउट किसी भी टीम ने नहीं लिया है पांच के डिफेंस में इधर क्योंकि बोनस ऑफ। प्रिया फिर से आगे बढ़ रही है टच पॉइंट ये पांच नंबर को विश्वास में नजर आ रही है। 12 पे पहुंचता जयपुर ग्रामीण जबकि 9 पे है बीकानेर और यहां 13 पॉइंट वा प्रिया। प्रिया जबरदस्त भूमिकाओं में है एंगल होल्ड हो ब्लॉक हो या फिर रेड की बात करें जज्बात इनके देखिए लक्ष्मी बाई जैसी। 13-9 अंक की बढ़त जयपुर ग्रामीण के पास। फर्स्ट हाफ का खेल अभी भी पहले टाइम की प्रतीक्षा में दोनों ही टीमें हालांकि जयपुर ग्रामीण को तो ज़्यादा आवश्यकता नहीं है बीकानेर को कहीं ना कहीं टाइम आउट की आवश्यकता है ताकि एक स्ट्रेटेजी बनाई जा सके जो गलतियां की हैं उससे बचा जा सके।
तीन नंबर पहचान संख्या में इसमें बीकानेर के बालिका लंबे हाथ आगे बढ़ाए थे टच पॉइंट। अंजलि फिर से प्रयासरत हैं और ये देखिए आंखों से काजल चुराने में प्रिया कामयाब। सोदा 10 का स्कोर। चार अंक की बढ़तियों की तो बैक की कोशिश। लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। चार नंबर से आज ज्यादातर निराशा ही हाथ लगी है। प्रिया फिर से बुलंद हौसलों के साथ लगातार बेहतरीन भूमिका में देखिए सेफ वापस। तीन नंबर पहचान संख्या में पुनः बीकानेर की बेहतरीन बालिका अच्छा लंबा कद वहां पे और प्रिया को टारगेट किया। अब जिम्मेदारी अंजलि के ऊपर क्योंकि प्रिया बाहर हैं। लक्ष्य तक पहुंची बड़ी रन सुपर रन बोनस प्लस टू टच पॉइंट चोटिल यहां प्रिया। ये थोड़ा चिंता का विषय जयपुर ग्रामीण के लिए। जबरदस्त कहर बरपाता खेल बालिकाओं का कभी उधर तो कभी इधर। बोनस यहां शायद होना चाहिए। काफी अच्छी कोशिश की गई है बीकानेर के द्वारा। प्रयास दोबारा यहां एंगल होल्ड का शिकार। एक एक पॉइंट कॉमन क्योंकि बोनस से कोचिज यहां टाइम आउट ले चुके हैं और अच्छी गाइडेंस इस समय 18 जयपुर ग्रामीण जबकि 12 बीकानेर। 6 की बढ़त है और सही वक्त पे टाइम आउट ये फायदा मिल सकता है कोचिंग का यहां इस वक्त। आपकी जी 13-18 का स्कोर है। 5 अंक की बढ़त जयपुर ग्रामीण के पास। सुपर टेकल का संकट इस वक्त। फिर से प्रिया चली है रेड पे। प्रिया के आगे लक्ष्य तक पहुंचे हैं फायदा नहीं मिला। आईना चली है टीम के कप्तान बोनस की कोशिश मगर फिर से प्रयास किया लाइन के आसपास हैं। अब जाकर आसानी से बोनस अर्जित किया। अंजलि आ गई है पुनः रेड पे। अंजलि फायदा उठाती हैं यदि यहां से सुपर टेकल में तो बड़ी बढ़त हो सकती है फिर जयपुर के पास। आई नो वंस अगेन पिछली रेड से बोनस था और यहां बड़ी रेड बोनस के साथ डबल टच। धीरे धीरे वापस लौटता मैच में सुपर टेकल से बाहर आता। एक बड़ी रेड सुपर अंजलि के ऊपर निर्भर हर हाल में सफल होने की जरूरत है। लीजिए इसके साथ ही लीजिए मध्यांतर का समय। दोस्तों इस समय रावला मंडी अनूपगढ़ की तरणताल से ये अंडर 19 छात्रावर्ग में दूसरा सेमीफाइनल। तमाम ऑफिशियल्स वीआईपी यहां परिचय लेते हुए में जयपुर ग्रामीण टीम के साथ इसमें परिचय की बांधगी। समाज सेवी के रूप में भामाशाह पवनजी सिहाग जिन्होंने इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में सबसे अधिक सहयोग किया है 51,000 रुपए की धनराशि के साथ। ऑफिशियल्स के साथ मुखातिब होते हुए इस समय और यहां सुशीला जी चौधरी हाथ जोड़कर अभिवादन सादर नमस्कार। ये टीम है इस समय बीकानेर। बीकानेर टीम भी बुलंद हौसलों के साथ इस समय जयपुर ग्रामीण के सामने। हाफ टाइम के समय स्कोर है 18-18 दोनों टीमों बराबर। सेकेंड हाफ पहला आप किसी के नाम नहीं क्योंकि 18-18 से स्कोर इक्वल और इस वक्त 4 के डिफेंस में है जयपुर ग्रामीण। पॉइंट कमाता हुआ दूसरे हाफ में अच्छी शुरुआत मानी जाएगी यहां बीकानेर की बढ़त के साथ। पहला पॉइंट इस समय दबाव में आता जयपुर ग्रामीण। क्या यहां खेल बदलेगा ऐसा कई बार देखने को मिला है। जिस टीम ने फर्स्ट हाफ में बढ़त बनाई उसने सेकेंड हाफ में मैच गंवाया और यहां कॉर्नर पे घुमाया बीकानेर ने
12 नंबर को, दो अंक की बढ़त 20-18 के साथ ऑल आउट का खतरा, दो का डिफेंस। क्या इस डिफेंस से सामना कर पाएगा जयपुर ग्रामीण? मुश्किल हालात और यहां टच पॉइंट की मांग। आईना आसानी से पॉइंट अर्जित करते हुए समय गुजारने की भी कोशिश। लीजिए 21 पे पहुंचता हुआ, बेहद दबाव में अब जयपुर ऑल आउट की कगार पे। जबरदस्त होल्ड कंटिन्यू, एंगल होल्ड से ऑल आउट करता बीकानेर जयपुर ग्रामीण को, और अब बढ़त अच्छी खासी 24-18 छह की बढ़त है। मनोवैज्ञानिक रूप से भी दबाव में लक्ष्य तक पहुंच गए। बड़ी राडी समय, गजब का खेल बीकानेर का सेकेंड हाफ में, चंद पलों में खेल बदल गया। सुपर राइड 3 पॉइंट से 27-18, 9 अंक की बढ़त है। अंजलि राइड पे है, शेर की तरह दो कदम पिच है, बैक फुट और फ्रंट फुट इनके कमाल के। टोटस की कोशिश देखते हैं, पहले पॉइंट की तलाश में ही समय जयपुर, लेकिन गलतियां की शुरुआत इस समय में उसको बुनाना चाहेगा अब जयपुर ग्रामीण वापसी करते हुए। शायद देखिए 4 के डिफेंस में है, अगर यहां भी पॉइंट गंवा दिया जयपुर ग्रामीण ने तो ऑल आउट का खतरा फिर से बढ़ेगा। पीछे कोच चिंतित थोड़े से, और ये लाजमी है किसी कोच के लिए, जब टीम पीछे हो कोई भी कोच चाहता नहीं कि उनकी टीम हारे, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे जाएंगे। अंजलि 7 का सॉलिड डिफेंस, और उसके आगे झुकता हुआ जयपुर ग्रामीण, लेकिन टच पॉइंट इसी बीच 3 नंबर को बाहर भेजने की कोशिश की। हजी हाँ, पहला पॉइंट ये कुल मिलाकर सेकेंड हाफ में 9 नंबर को बाहर भेजा, माफ कीजिए 19 पे पहुंचा है। 19-27 का स्कोर, 8 अंक अभी भी आगे। अच्छा नियंत्रण प्रिया का, और प्रिया का भी तूफान देखने को मिल सकता है वापसी के साथ साथ। अंजलि वंस अगेन धीरे धीरे वापस मैच में आएगा, क्योंकि गलतियों से भी बचना जरूरी, इसने जोश में होश ना गंवा बैठे, और यही नजाकत है इस अंजलि की कि उनकी एकाग्रता कभी भंग नहीं होती। बोनस का शानदार प्रयास, स्कोर से फायदा उठा, पहुंच गई है पॉइंट के साथ वापस बीकानेर की रेडर। करतल धोनी के साथ स्वागत तमाम बालिकाओं का। सात का सॉलिड डिफेंस इसमें बीकानेर के पास, लेकिन बढ़त अच्छी खासी बीकानेर की बरकरार। प्यास बुझाते हुए यहां पे बोनस के साथ वापस, देखिए बेहतरीन खिलाड़ी जयपुर ग्रामीण एक बार फिर 9 नंबर पहचान संख्या में। खेल रंग बदलता हुआ, जबरदस्त पलटवार, फर्स्ट हाफ में बराबरी पे मुकाबला, जबकि दूसरे हाफ में पहली रेड से बड़ी शुरुआत है, बड़े पॉइंट से, और उसके बाद ऑल आउट किया, बढ़त बनाई, सेफ ही वापस। अंजलि कंटिन्यू, अपनी टीम का स्कोर लगातार गतिमान बनाए हुए, हालांकि मुकाबले में अभी भी जयपुर ग्रामीण पीछे जरूर है, लेकिन हौसले कायम है। जबरदस्त दर्शक इस समय, सुपर टेकल में जयपुर ग्रामीण बेहद दबाव में, क्या बीकानेर फाइनल में पहुंच रहा है? टॉटच यहां शायद सफल है, आत्मविश्वास की कमी तो दिखाई दी है रेडर के ऊपर भी, इतना विश्वास तो नहीं, फिर भी टच पॉइंट यहां अंपायर का निर्णय बिल्कुल ऑल आउट की कगार पे। दूसरी बार दूसरे हाफ में बड़े स्कोर की ओर जाता है इस समय बीकानेर, और यहां से मैच की दिशा तय हो रही है। 6 नंबर में दबाव अधिक है,
लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश, लेकिन यहां देखिए आईना कमाल का काम करते हुए, हालांकि बोनस अर्जित किया लेकिन ऑल आउट की कगार पे दूसरी बार। टाइम आउट की आवश्यकता इस समय जयपुर ग्रामीण को। ये लीजिए दूसरे हाफ में सेकंड टाइम ऑल आउट जयपुर ग्रामीण बीकानेर के सामने। 34-22 12 अंक की बढ़त है। बेहद दबाव में दो बार ऑल आउट के साथ काफी पिछड़ चुका है जयपुर ग्रामीण। वापसी की संभावनाएं जरूर है लेकिन लगातार कमजोर होता इस चार नंबर ने बहुत निराश किया इस मैच में जयपुर ग्रामीण को। जब जब एंगल होल्ड की कोशिश की खुद को ही बाहर जाना पड़ा है। प्रिया ने ही कॉर्नर से जरूर टेकल किए हैं। नौ नंबर में अंजलि, जोखिम उठाने की जरूरत है। अंजलि ही है जो नैया पार लगा सकते हैं। फिर से अंजलि ढेर हो गए यहाँ चोट। बीकानेर पूरी फॉर्म में 36-22 अब 14 अंक पीछे है। पांच का डिफेंस फिर से कमजोर कहीं ना कहीं। प्रिया को आना होगा, प्रिया खेल बदल सकती है जो पिछले दो मुकाबलों में उन्होंने ऐसे ही अंतिम समय में खेल को बदला है। प्रिया आ गई। चैना जाखड़ ने भी जबरदस्त खेल दिखाया है। छह नंबर में प्रिया जबरदस्त तरीके से अब जज्बा दिखाने की कोशिश, शिकार हो गई। खुशी का ठिकाना नहीं ऑडियंस। अब ऑल आउट के कगार पे आईना टीम के कप्तान, माफ कीजिए चार का डिफेंस है, खतरा बढ़ने लगा है। थर्ड टाइम दूसरे हाफ में कमजोर कॉर्नर, पहले चार नंबर ने गलती की, अब क्या तीन नंबर से गलती है? जी हाँ, 38 पे पहुंचता बाब 38-22 16 अंक पीछे, वापसी बेहद मुश्किल। समय दबाव बढ़ाता हुआ जयपुर ग्रामीण पे बोनस की कोशिश। सात का सॉलिड डिफेंस बीकानेर के पास, और क्या रंग बदला है क्रिकेट की तरह। देखिए बड़ी देर से एक पॉइंट मिला है दूसरे हाफ में, संभवतः यह पहला पॉइंट या फिर दूसरा पॉइंट है या पहला, लेकिन मुकाबले में काफी पिछड़ा हुआ जयपुर। टाइम आउट के बाद ये पहला पॉइंट है। हाफ टाइम के समय 18-18 था, धक्का देकर बाहर धकेला। 24 पे पहुंचता हुआ रेडर आउट। 24-38 14 अंक बीबी बैकफुट पे। तारीफ करनी होगी बीकानेर की बालिकाओं की, क्या बेहतरीन वापसी की है। अविश्वसनीय कमबैक और दो ऑल आउट लगातार बैक टू। 25-38 का स्कोर, 13 अंक की अच्छी खासी बढ़त है। बीकानेर खुश होगा इस बढ़त को बनाने के साथ, क्योंकि 5 मिनट से कम समय अब से आईना रेडबीट जो टीम की कप्तान, क्या शिकंजा खसा है। जितनी तारीफ रही उतनी कम। टच पॉइंट की कोशिश में इस समय 11 नंबर कॉर्नर पे, जबकि सामने वाले 4 नंबर से निराशा हाथ लगी है कई दफे जयपुर ग्रामीण को। सुशीला जी यहां टाइमर के रूप में 25 सेकंड लेकर वापस लौटी। 5 का डिफेंस बीकानेर का, क्या टच पॉइंट अर्जित कर पाएंगी, क्योंकि बोनस ऑफ है। ऐसे में थोड़ा सा मुश्किल चुनौती। धक्का दिया है और यहाँ अच्छा नियंत्रण, प्रयास जबरदस्त लेकिन सफलता बीकानेर को मिलते हुए 39-25 सोदान की विशाल लीड। 4 मिनट का समय शेष, 4 का डिफेंस, 9 नंबर में जाखड़ रेड पे इस समय धक्का दिया है, बाहर गई है रेडर आउट। 26वां पॉइंट जयपुर को। प्रिया फिर से चले हैं और एंगल होल्ड लीजिए, सब कुछ झोंकता हुआ इस समय बीकानेर का सुरमा, जबरदस्त बॉल वाला है। ऐसे दबाव में वापस आना कतई आसान नहीं, लेकिन कोच तारीफ करते हुए प्रिया के प्रयास की। हार जीत एक सिक्के के दो पहलू, लेकिन खेल जबरदस्त दिखाया दोनों ही टीमों ने, इसमें कोई
दो राय नहीं। 26-27 सेकंड के बाद कमबैक आईना, टाइम तकरीबन 2 मिनट के आसपास, इससे अपेक्षा की जा सकती है क्योंकि इसके बाद कोई बड़ा रेडर नहीं ऑल आउट की कगार पे होगा यदि यहां से अंक गंवाती है जयपुर ग्रामीण की रेडर। कैसे टेकल करते हैं देखें चैना जाखड़ जो कि 6 नंबर पहचान संख्या में। आईना के बाद बेहतरीन मुजाहरा पेश किया वही निर्मला ने भी। और यहां डबल थाई होल्ड, हर क्षेत्र में मात देता हुआ बोनस तक पहुंचे लेकिन टच पॉइंट इस समय बीकानेर की बागवानी में। गजब का खेल की साज सज्जा के साथ मैदान में उतरा, एक स्ट्रेटेजी बनाई बेहतरीन बलान के साथ बीकानेर। फर्स्ट हाफ को बराबर रखा और दूसरे हाफ में दो लगातार ऑल आउट बैक टू बैक और बड़ी बढ़त बीकानेर के पास आई और उसका दबाव अब अंतिम क्षणों में जयपुर क्योंकि सुपर टेकल 3 के डिफेंस से कतई आसान नहीं रोक पाना इस चैना जाखड़ को। चैना के आगे जयपुर ग्रामीण बेचैन, 4 नंबर पहचान संख्या में इस वक्त 17-18 पॉइंट की बड़ी बढ़त है बीकानेर के पास और इसको काटना कतई आसान नहीं। लीजिए पूरा बोलबाला पास में पूरी पकड़ है बीकानेर की और वापसी अब कतई संभव नहीं। डूढ़ाई पे है दो का डिफेंस, खतरा हो सकता है। आसान अंक लीजिए बहती गंगा में हाथ धोती लगातार चैना जाखड़ कमजोरियों का फायदा उठाते। क्या तीसरी बार ऑल आउट होने जा रहा है दूसरे हाफ में जयपुर ग्रामीण। फर्स्ट हाफ किसी के नाम नहीं था, बराबरी भी थे 18-18 से लेकिन दूसरे हाफ में दो बार ऑल आउट करने के साथ साथ अब तीसरी बार तैयारी बीकानेर के। नीचे एंगल होल्ड, कुल मिला के तीसरी बार ऑल आउट किया है अगर जयपुर ग्रामीण को बीकानेर ने सेकेंड हाफ से। ये फाइनल रेड हो सकता है अब, बिल्कुल जीत सुनिश्चित है, चमत्कार भी वापस नहीं ला सकता अब। हाथ मिलाते हुए अंजलि सिंह के साथ यह मुकाबला समाप्त है और बीकानेर फाइनल में जबरदस्त खेल दिखाया जयपुर ग्रामीण बनाम बीकानेर 46-27 के साथ 19 पॉइंट के बड़े अंतर से। यहां बीकानेर ने जयपुर ग्रामीण को शिकस्त देते हुए फाइनल में जगह बनाई है। नच बलिए डांस पूछा कर ले।